मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो कल रात को जो है ना पूरा स्नोफॉल हुआ है इतना, और आज सुबह उठ के देखा तो चारों तरफ स्नो। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे बिल्कुल अच्छे होगे। मैं आप लोगों को बोला था ना, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चेंज हो जाए। देखो कल दिन में कितना अच्छा धूप था, और अभी देखो चारों तरफ स्नो है। और अभी चलते हैं नहा वगैरह लेते हैं, क्योंकि आज भी अभी सुबह जो है ना पूजा करना है, तो अभी नहा के फ्रेश वगैरह होकर पहले करते हैं क्या पूजा। और कल से क्या है, स्टार्ट होने वाला है क्लास, तो पूरा रूटीन जो है ना डिसबैलेंस हो रखा है, उसको भी जो है ना पटरी पे लाना पड़ेगा। कल जो है ना 8:15 से फिर क्लास है, तो अभी 10-15 दिन जो छुट्टी था ऐसा ही चलो खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो मन वो कर रहे हैं। टाइमिंग जो है पूरा, जब सोना चाहिए उस टाइम जग रहे हैं, जब जगना चाहिए उस टाइम सो रहे थे, तो सब जो है ना ख़राब हो चुका है रूटीन। कल सुबह जो है ना उठने में हालत ख़राब होगा। आज का पूजा कंप्लीट हो गया, वसंत पंचमी भी ख़त्म हो गया, तो आज होगा क्या, सरस्वती माता का विसर्जन। अभी तो इंडिया में चारों तरफ विसर्जन हो रहा होगा, काफ़ी मिस कर रहा हूँ इंडिया को। विसर्जन में काफ़ी मज़ा आता था, सब लोग एक साथ जाते थे, और पूरा जो है ना लाइन एकदम काफ़ी भीड़ भरा कर रहता था। यहाँ तो कहाँ, यहाँ तो पता है अगर आप नदी में या फिर कहीं अगर आप कुछ विसर्जन टाइप का भी करने जा रहे हो, उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है, आप कुछ भी नहीं डाल सकते ऐसे भी। तो यहाँ काफ़ी बहुत सारा लोचा है। अभी मैं बैठ गया स्टडी टेबल पे, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो कल कौन सा सब्जेक्ट है रूटीन वगैरह देखते हैं, बैग वगैरह जमा लेते हैं पहले, फिर उसके अनुसार से। पता है कल फर्स्ट क्लास ही जो है ना टीचर को सबसे पहले तो क्वेश्चन ही करेगा, तो जो लेक्चर जो है ना हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का साइट है उस पर लेक्चर आ चुका है, तो एक बार लेक्चर को भी जो है ना रीड कर लेते हैं। नहीं तो नाम लेके एकदम जो है ना जो रशियन अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार से रहता है हम लोग का, जैसे इंडिया में रोल नंबर रहता है ना ABCD, उसी टाइप से रशियन, उसी तरह यहाँ जो रशियन अल्फ़ाबेट है उस टाइप से अरेंज रहता है। चलो वन बाई वन खड़ा हो, बताओ ये क्वेश्चन वो, तो थोड़ा बहुत अभी लेक्चर पढ़ लेते हैं। ये देखो स्टडी टेबल का हाल क्या हो रखा है, कंघी पता नहीं क्या क्या, तो अभी पता नहीं बैग भी कहाँ है, बैग ढूंढता हूँ पहले। ये देखिए अभी शाम हो गया यहाँ, आज जो है ना रोड बहुत स्लिपरी हो रखा है, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैर स्लिप करता है, क्योंकि कल रात को स्नोफॉल हुआ था, आज पूरे दिन नहीं हुआ, तो जो स्नो है ना वो जम चुका है। और ये तो चालू रोड है, तो यहाँ आज शायद मशीन से साफ़ कर दिए हैं स्नोफॉल, नहीं तो जहाँ साफ़ नहीं किया ना वहाँ तो आज पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, इसलिए संभल संभल के चलना पड़ रहा है। आज जो है ना सुबह से हॉस्टल से बाहर नहीं निकला था, अभी पहली बार निकला हूँ। अभी तो छुट्टी चल रहा था, तो संडे मंडे सब क्या है छुट्टी के दिन, लेकिन अब कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो अब इंतज़ार रहेगा किसका, सैटरडे और संडे का वीकेंड। वीकेंड पे थोड़ा घूम फिर के आएंगे, अभी क्या चलो डेली छुट्टी है, परे रहो, लेटे परे रहो, खाते रहो, सोते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो हॉस्टल में, बात ख़त्म। तो अभी चलते हैं थोड़ा ऐसे घूमते फिरते हैं, जल्दी सो, आज जल्दी सोना पड़ेगा, तब जाकर कल जल्दी सोकर उठूँगा, वरना फिर वाट लग जाएगा। कल वैसे भी वाट लगने वाला है, टीचर तो नई टीचर है, कल नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा, तो वैसे भी वाट लगना ही है कल तो। और अभी आपको पता ही है छुट्टी चल रहा है, तो हॉस्टल में क्या लेट से, रात को लेट से सब सो रहे थे, दिन में लेट से सो कर उठ रहे थे, साइकिल जो है ना स्लीप बैग साइकिल ही बिगड़ चुका है अभी इन छुट्टियों में, क्योंकि विंटर तो अभी जो है ना विंटर के टाइम में 10-15 दिन का छुट्टी होता है, कोई तो घर जाता नहीं, बहुत कम लोग घर जाते हैं जिनके पास रोकरा ज़्यादा हो, रोकरा क्योंकि टिकट कराने के लिए ये लेकर चलो आने जाने में कम से कम 40-45 हज़ार का तो कम से कम खर्च है। और अभी के डेट में तो क्वारंटीन, यहाँ से जाओ 2000 का RT-PCR, इंडिया में RT-PCR और क्वारंटीन दिस डेट बहुत लफड़ा है अभी, तो अभी जो है ना ट्राई करो कि जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम ट्रैवल करो एब्रॉड से, माने एक कंट्री से दूसरे कंट्री एब्रॉड में। ये देखो इन दोनों को स्नोफॉल से खेलना है, भाग गई जैसे हम लोग झगड़ा करते थे ना, लग रहा है उसकी बड़ी बहन है कुछ, अरे पटक के चली गई उसका जो खिलौना था वो। तुली का बर्थडे था तो वो खीर भिजवाई है, और इधर कुछ सर्टिफिकेट है जो कि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम हुआ था ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट का रेडी नहीं हो पाया था डिप्लोमा,
तो अभी मैं जा रहा हूँ ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबको डिस्ट्रीब्यूट करने। अप्रॉक्स कितने 3 या 4 लोग हैं, किसी का नाम गलत हो गया था तो कोई लेट से अपना परफॉर्मेंस का नाम दिया तो उनका सर्टिफिकेट रेडी नहीं हो पाया था, जो प्रोग्राम के बाद जो ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी चलते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कुछ फोर्थ ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, सबके भाई सब ईयर के स्टूडेंट हैं इसमें। तो मैं सोचा एक ही ईयर को होंगे, एक ही जगह जाके निपट जाएगा, लेकिन हर एक फ्लोर पर जाना पड़ेगा। अब तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया, तो आज जो है ना जल्दी सो जाते हैं ताकि कल सुबह जल्दी उठकर क्लास करेंगे। सो गाइज, आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे +7 जरूर लगाना, +7 रसिया का कोड है। आप लोग +7 नहीं लगाते इसलिए व्हाट्सएप उस नंबर पे शो नहीं करता, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पक्का पक्का इस पर कोई नहीं।